भाई सफाया तो ही गया, डर तो बहुत ज्यादा है। और हम लोग देखिए, इंडिया अलायंस जो है 300 सीटें से ज्यादा सीटें हम लोग लाने जा रहे हैं। पूरी तरीके से इस बार सच के आगे झूठ नहीं टिकने वाला। और हम लोग सब लोग जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता का पूरा प्यार जो है हम लोगों को मिल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो संविधान और आरक्षण लोकतंत्र जो खत्म करना चाहते, ये बताए क्यों खत्म करना चाहते, इनको बताना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 4 तारीख के बाद सारे भ्रष्टाचारियों को छोड़ो। ने है क्या चीज, कोई है क्या उसके बारे में कोई अटेंशन देता है? चारों लोग उसके रैली में आता है क्या? सुन रहे, केजरीवाल ने कहा है कि खेल का खेला हो गया है, एक बार फिर से 4000 पार का नारा लगाया है अपने संबोधन में। जाइए ना, आप भी पता कीजिए क्या हुआ। केजरीवाल ने कहा है जेल का खेल खेलना प्रधानमंत्री बंद करे, कल वो बीजेपी हेडक्वार्टर। केजरीवाल ने कहा है कि जेल का खेल खेलना प्रधानमंत्री बंद करे, वो कल बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे अपने मंत्रियों के साथ, जिनको अरेस्ट करना है कर ले। ठीक बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इसमें तो। भाई आप डरे हुए हैं, आप चाहते कि कोई आपके सामने कोई खड़ा ना हो, इससे पहले आप उसको फंसाओ, मुकदमा करो। जब लोकतंत्र ही खत्म करना चाहते हो तो ऐसे ही करो ना, छुप के क्या पीठ पीछे क्यों कर रहे हैं? चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है क्या उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं, अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार मतलब 543 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से 143 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला, जो निवेश के सपने दिखाए थे कि इतने लाख करोड़ का लखनऊ में निवेश आया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिफेंस एक्सपो और G20, न देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन्वेस्टमेंट मीट भूली है, न डिफेंस एक्सपो भूली है, न G20 के आयोजन भूली है।